हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम CSS3 के प्रॉपर्टी वर्ड रैप पे ब्रेक वर्ड का यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने कोई एक लेटर का अगर स्पेस अगर लेटर के कोई वर्ड को ओवर लिमिट कर दिया है तो वो क्या करता है, उस वर्ड को यहाँ पर ब्रेक कर देता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बॉक्स में एडजस्ट कर देता है। बट अब गाइस, उससे क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ डमी, तो इस डमी की यहाँ पर स्पेस क्रिएट नहीं हो पा रहा था। अगर ये एक वाई एक्स्ट्रा पड़ता यहाँ पर, तो इसने क्या करा, इस पूरे ही टेक्स्ट को इसके नीचे लिया है। वैसे ही यहाँ पर भी इसके साथ हुआ कि जैसे ही मैंने इस डी वाले वर्ड को लॉन्ग वर्ड में लिखा तो इसने क्या करा, इसको यहाँ से स्पेस दे दिया और इसको नीचे लेके आ गया। तो गाइस, इस चीज़ को हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई पैराग्राफ या कुछ भी हेडिंग वगैरह इसमें ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा जब भी हम वेब पेज के अंदर यूज़ करेंगे। तो गाइस, इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी आती है वर्ड ब्रेक। पहले जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी थी वर्ड रैप, अब हम यूज़ करेंगे वर्ड ब्रेक। तो वर्ड ब्रेक क्या करता है यहाँ पर, तो ये सिर्फ एक कंप्लीट वर्ड को यहाँ इसने ब्रेक करा है, तो वो क्या करेगा, एक एक सिंगल सिंगल वर्ड को यहाँ पर ब्रेक कर देगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर उसका एंड पॉइंट क्रिएट होता है, तो वो अगर ये डमी टेक्स्ट था मेरा, अगर ये यहाँ पर आता तो इसके वाई को वो यहाँ पर शिफ्ट कर देता, बट टेक्स्ट को वो मेरे यहाँ पर पूरा कंप्लीट रखता। तो गाइस, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो वर्ड ब्रेक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा वर्ड ब्रेक। अब इसकी जो वैल्यू है मेरे पास वो है ब्रेक ऑल। इसकी दो वैल्यूज़ आती है, कीप ऑल जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि इसको लॉन्ग वर्ड रखेगा, बट जो वर्क करने वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है वर्ड ब्रेक पे ब्रेक ऑल। तो ब्रेक ऑल पे क्या करेगा, हर एक वर्ड को ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस, देखा आपने कि डमी का ये वाई नीचे आ चुका है और जो भी हमारा दी इतना लंबा सारा जो मैंने लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्पेस में एडजस्ट हो चुका है, और जैसे ही इसको यहाँ पर एंड पॉइंट मिला उसने उस बाकी का वर्ड को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटिंग का यहाँ पर एन और जी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो गाइस, यही डिफरेंट था इसमें वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक का, और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ब्रेक ऑल एंड कीप ऑल। कीप ऑल भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कीप ऑल से क्या होगा, जो भी हमारा डिफॉल्ट इससे पहले था वही मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाएगा, और ब्रेक ऑल में जैसे यूज़ करूँगा तो गाइस, देखा आपने एक एक वर्ड यहाँ पर मेरा ब्रेक हो चुका है। तो अगर आप कोई लंबा वर्ड लिखें या कोई सिंगल वर्ड भी आपका कोई यहाँ पर एंड पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है तो आपका यहाँ पर स्पेस क्रिएट नहीं होगा, वो वर्ड को वहीं से ब्रेक कर देगा और यहाँ पर कंटिन्यू रख देगा। तो गाइस, देखा आपने कि वर्ड ब्रेक एक और एक CSS की एक पावरफुल प्रॉपर्टी आपने इसमें देखी। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।